हर साल जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है, वैसे वैसे लोग सीजनल बीमारी की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जेब अस्पताल के बिल भरते भरते खाली हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिसे आप बहुत कम खर्च में अपने घर पर भी लगा सकते हैं और इसके सेवन से आपको कुछ सीजनल बीमारियों से निजात भी मिल सकती है। दरअसल यह औषधि गिलोय की बेल है, जो कि आमतौर पर विभिन्न स्थानों पर भी देखी जा सकती है। गिलोय को हम गुड़ुच्ची भी कहते हैं। गिलोय का साइंटिफिक नेम टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। यह वर्षा ऋतु में रोपित हो जाता है और इसका स्टेम्प लग जाता है, स्टेम्प को हम लगा सकते हैं। गिलोय जो है ज्वर में बहुत उपयोगी है। ज्वर में ये डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। वायरल फीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो गिलोय होता है उसके तने को हम कूट के छोटे छोटे टुकड़े करके काढ़ा बना सकते हैं और फिर उसको पी लेते हैं। गिलोय का पाउडर भी यूज किया जाता है। जवरनाशन औषधि के साथ साथ गिलोय एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम प्रतिशाय कहते हैं आयुर्वेद में, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें भी आप उसका काढ़ा, गोली या चूर्ण यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है या आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। गिलोय जो है शुगर लेवल को कम कर देता है। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं शुगर वाले पेशेंट पे। इसके अतिरिक्त गिलोय जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी स्वस्थ व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चिंता और तनाव को दूर करने के लिए भी गिलोय का उपयोग किया जाता है। गठिया बांह में गिलोय का अच्छा रिजल्ट है। ये शोथ को, जिसको हम सूजन कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसको कम करता है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा है, खांसी है, उसमें भी गिलोय का काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयां जैसे त्रिकटू वगैरह के साथ मिला के यूज किया जाता है।